मंगलवार को कस्बे जीएसएम डिग्री कॉलेज में बेवर ब्लॉक बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद ने भाग लिया। सम्मेलन बोलते हुए पूर्व सांसद प्रताप सिंह यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने लोगों को बहकाकर वोट हासिल किया है, मुस्लिमों को लड़ाकर सत्ता हथियाने का षड्यंत्र रच रही है, लेकिन जनता उसके करतूतों को भली भांति जानती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं ने 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके लोगों को वोट बनवाने की अपील की है। अंत में उन्होंने कहा, भाजपा की सरकार में सबसे ज्यादा हमले ब्राह्मणों पर हुए हैं और अब भाजपा पिछड़ी जाति का उत्पीड़न कर रही है। पूर्व मंत्री आलोक शाक्य ने कहा है कि अब की बार सपा कार्यकर्ता अपनी मेहनत से अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करेंगे। इस मौके पर पूर्व मंत्री तोताराम, जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव, महासचिव राम नारायण बातम, मनोज दुबे, बबलू तिवारी आदि मौजूद थे। समाजवादी पार्टी पिछले 5 सालों से मुख्य विपक्षी दल के तौर पर उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं और जनता की समस्याओं को, जनता के दो भाई अत्याचारों को लेकर लगातार हमारी पार्टी आंदोलन करती रही, धरना लेती रही और सड़कों पर लगातार निकलती रही। और आज ये स्थिति ये है कि पूरे प्रदेश में, पश्चिम से लेकर पूर्व तक, समाजवादी पार्टी के लिए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के लिए लोग आज मन बनाए बैठे हैं और पूर्ण बहुमत में समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। प्रदेश के लोगों में यही इच्छा है। कानून व्यवस्था पर क्या कहेंगे प्रदेश में? आप रोज सुबह उठ के अखबार उठा के देखेंगे प्रिंट में, प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में आपको मालूम पड़ेगा। कोई ऐसा शहर नहीं, कोई ऐसा जनपद नहीं है कोई ना कोई बड़ी घटना घटी ना हो, हत्या बलात्कार यहाँ तक कि जेलों में भी और सुरक्षित में लोग नहीं, जेलों में भी हत्याएँ लगातार इस सरकार हो गई हैं। ये अपने आप में इस सरकार की कानून की व्यवस्था हुआ है। अखिलेश जी भी मंत्री आए थे, उन्होंने बयान दिया था उनका सम्मान किया जाएगा, क्या कहेंगे? कब तक ये गठबंधन हो रहा है? 2022 का चुनाव करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, सत्ता सरकाने के लिए सभी समाजवादी दलों की दोनों सभा ज्यादा लोग एक साथ आएंगे और भाजपा को सीधे तौर पर एक लास्ट सवाल और पूछेंगे, सीधे तौर पर कितनी सीटें 2022 में आती आ रही है? बड़ी जोरों शाम से ही चर्चाएं हैं कि चाचा भतीजे नेताजी के जन्मदिन पे एक साथ दिखेंगे, इस पे क्या कहना है? देखिए, आने वाला वक्त बताएगा। मैंने आपको बता दिया कि समाजवादी विचारधारा के सभी लोग, समाजवादी दलों के सभी लोग एक साथ अब्बा दान वाला बयान बहुत विवादित योगी महाराज ने दिया है। उन्होंने कहा 2017 से पहले जो राशन था वो अब्बा दान कहने वाले लोग खा लिया करते थे, क्या करते? देखिए, राशन शहीद हुए और बड़ा नुकसान भारत को लेह लद्दाख के क्षेत्र में हुआ है और अब तो खबर ये भी आ रही है कि अरुणाचल में भी चीन लगातार घुसपैठ कर रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी अभी तक इस बात को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं कि चीन वहाँ कोई